जय श्री राम। एक मशीन फिर हमारे पास स्ट्रेंजर पीपीटी 800 की ये मशीन हो जाती है। प्रॉब्लम इसमें यूँ है कि सर्वप्रथम जैसे लाइट ऑन करते हैं, मशीन चालू हो गई है, ऑटोमेटिक इतनी हमिंग आ रही है। दूसरा चीज़ आप देखो तो ओवर ट्रिप के साथ ये मशीन अभी तक फंसी हुई है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये ओवर ट्रिप क्यों आ रही है और ये लाइन क्यों आ रहे हैं, जबकि इसमें कोई भी ऑडियो नहीं है, फिर भी इस ऑडियो लाइन से ऑटोमेटिक इतना ब्लिंपिंग आ सकता है, आ रहा है। चलिए दूसरा बात है, लेकिन फर्स्ट बात तो ये आपको क्लियर करना होगा कि ये ट्रिप क्यों आ रही है। अगर ऐसी ट्रिप के साथ आपकी भी मशीन आती है तो उसको कैसे सही की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बहुत पीछे के साइड से देखें तो इसकी जो ओवरलोड स्विच होती है ना, वो बाहर की साइड आ गई है, ये अंदर नहीं जा रही है। हो सकता है आपकी ओवरलोड स्विच भी खराब होगा या आपका मोसफेट भी खराब होने के कारण से बार बार ओवर ट्रिप में आ जा रहा होगा। चलिए ऑन करते हैं, क्योंकि ओवर ट्रिप स्विच लगी रहती है ना, वो डायरेक्टली आपका सप्लाई में लगा रहता है। हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो मशीन है ना, ये आपका देखो तो इसमें आपका मोसफेट यूज़ किए गए हैं, 2N3773 मोसफेट इसमें यूज़ किए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। चलिए अब इसको क्लियर भी उसे रिपेयर करते हैं, जो कि इसमें ओवरलोड प्रॉब्लम आ रही है ना, आखिरकार क्यों आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो हम ओवर ट्रिप इसका स्विच खोलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक आपका प्रॉब्लम ओवर ट्रिप स्विच से ही होता है। ओवर ट्रिप स्विच में आपको देखने को मिलेगा दो मोटी वायर दिखेगी और दो पतली वायर दिखेगी। तो ये पतली वायर जो होती है ना, ये आपका सिग्नल भेजने के लिए होती है, और जो दो मोटी वायर होती है ना, वो आपका इसके सप्लाई के लिए होता है। जैसे अभी देखो तो ये रेस्ट में निकल चुकी है बाहर, अभी ये अंदर नहीं जा रही है। कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 एम्पियर की ये लगाई गई है। थोड़ा सा इसमें हम रिमूव करके आपको दिखाने का प्रयास करें तो ये देखो इसकी स्विच 15 एम्पियर में लगाई गई है। ओवर ट्रिप स्विच आपको दिखाई दे रहा होगा, 15 वोल्ट 125 वोल्ट एसी और 15 एम्पियर में ये स्विच लगाई गई है। चलिए रेस्ट स्विच नया डालते हैं, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे हाथों में 20 एम्पियर की एक स्विच है जो कि रेस्ट स्विच है, और ये देखो अंदर की साइड है, अभी कोई भी अंदर बाहर नहीं है। चलिए स्विच को ओनली वन इस पर कनेक्ट कर लिए हम, अभी ऐसे देखो कनेक्ट हो गई है। अब इसमें देते हैं हम सप्लाई और देखते हैं कि क्या हमारी जो प्रॉब्लम ओवर ट्रिप का था वो ख़त्म हुआ है कि अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। चलिए लाइन तो देते हैं हम, अभी लाइन दे दिए हम, देखिए लाइट देने के बाद क्या हुआ, हमारा ट्रैकर फंस गया। रीज़न जानते हैं क्या हुआ है, क्योंकि ओवर ट्रिप की तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे ही ओवर ट्रिप रिलीज़ हुआ तो उस टाइम में हमारी अब मोसफेट को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है हमारी मोसफेट में करंट फंसी हुई, जिससे हमारी सीरीज लाइट भी ग्लो कर रही है और हमारी पावर नहीं चालू हुई है, क्योंकि ओवर ट्रिप मारा हुआ था। ओवर ट्रिप को जैसे ही मैंने चेंज किया फिर हमारी प्रॉब्लम चेंज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए जैसे ही मतलब इसको सप्लाई दे रहे हैं, अब हमारी रिले कटअप नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर शॉर्ट है, इसके अंदर इस मोसफेट के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट है, जिसके कारण से हमारी जो ट्रैकर है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो किस जोन में प्रॉब्लम है, आपकी लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, प्लस में या माइनस में है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को विशेष रूप से समझते हैं, क्योंकि ओवर ट्रिप स्विच ख़राब था, हमने ओवर ट्रिप स्विच चेंज किया और हमारी प्रॉब्लम जो है ना अब चेंज होकर के हमारी मोसफेट में चली गई है। यहाँ तक देखो तो इसका ऑडियो बोर्ड से लेकर के पैनल तक ओके मतलब ओपन कर लिया हुआ था। देखिए ज़्यादातर शॉर्टिंग की जो प्रॉब्लम पकड़ रही थी, क्योंकि पहले रेस्ट का प्रॉब्लम पड़ रहा था तो हमने उसका ये वाला स्विच चेंज किया, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम जब आगे बढ़ी तो ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर आपका ये ट्रांजिस्टर से आते हैं जो कि यहाँ पर लगी हुई है। तो हमने ट्रांजिस्टर को एक एक करके सभी को टेस्ट किया, हमने साथ साथ ऑडियो बोर्ड को भी टेस्ट किया, लेकिन हमको कहीं भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। प्रॉब्लम एक जगह हमको देखने को मिली जो कि आपका मेन डायबोर्ड से जुड़ी है। जैसे मैं अभी कंटिन्यूटी पर मीटर को डाले हैं, और जैसे ये वाली मेन डायबोर्ड इसमें दो दो डाली गई है, तो ऐसे देखो ये मेन डायबोर्ड ही इसका शॉर्ट हो गया है, जैसे आप देख सकते हो। अब देखो ये टिक टिक क्यों कर रहा था, क्योंकि इसमें रिले लगी है, और रिले को ऑपरेटिंग करने के लिए यहाँ पे पैनल पे रिले लगी है यहाँ पे, और इस रिले को ऑपरेटिंग करने के लिए यहाँ पे देखो तो एक छोटी सी ट्रांसफार्मर लगाई गई है जो कि 1212 का होता है, जिससे इस रिले को एक्टिव मिल रहा है, लेकिन ये पावर अभी इसको नहीं मिल पा रहा है जिससे आपकी ट्रांजिस्टर तक पहुँच पाए, पावर यहीं पर आपकी आकर के शॉर्ट हो जा रही है। तो जो इसकी ये वाली डायबोर्ड ख़राब है, जैसे आप देख सकते हो 35-10 की ये जो डायबोर्ड इसमें लगी है, 20 डायबोर्ड सेम टू यू हमारे पास भी सेम वही है, 35-10 का ही हमारे पास भी डायबोर्ड है, तो इसको चेंज करेंगे हम। देखिए एक चीज़ इसमें एक सिंबल बनाई रहती है जो कि प्लस और माइनस का होता है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्लस की एरो है और ये खूंटी है ना, ये तीनों से अलग होगी, ये तीनों सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक जो डायरेक्शन होगा आपका अलग डायरेक्शन में होगा, जैसे कि ये वाली है। तो इससे भी प्लस से कनेक्शन नहीं ली गई है, ओनली वन दो वायरों से कनेक्शन ली गई है, सॉरी इसमें प्लस और माइनस दो ही से कनेक्शन ली गई है, तो हमको भी सेम टू यू वैसे ही कनेक्शन करना होगा जैसे कि इसका कनेक्शन है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका दो दो सीरीज़ का डायबोर्ड लगा हुआ है, ये देखो एक ये डायबोर्ड लगी है, दूसरा आपका ये डायबोर्ड लगी है, थोड़े से मैं कैमरे को नज़दीक करूँ फिर आपको दिखाने और समझाने का प्रयास करूँ। अगर दो दो डायबोर्ड का सीरीज लगा है, जैसे एक ये डायबोर्ड लगी है और एक ये डायबोर्ड लगी है,
तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर एक डायोड आपकी ख़राब होती है तो गारंटी आपका दूसरा भी डायोड ख़राब होगा। तो ये संकोच किए बिना आपको दोनों एक ही साथ चेंज करना होगा। जैसे अभी देखो तो हमने एक यहाँ पे चेंज कर रखी है और दूसरा अभी हमने बॉडी में ही छोड़ के रखा हुआ है। तो चलिए ना, हमारी प्रॉब्लम ज़्यादातर अब सॉल्व हो गया होगा। चलिए मशीन को हम ऑन करते हैं। मशीन को ऑन करने के बाद जैसे अभी प्रॉब्लम एक आ रहा था कि जैसे हम इसको मतलब स्विच से ऑन कर रहे थे तो ट्रिपिंग यानी कि जो हमारी वीडियो थी ना वो ऑडियो इसका ब्लिम कर रहा था। लेकिन अभी जैसे हम ऑन करेंगे इसको, देखना आप, फिर आप देखना फीडबैक बताना क्या हो रहा है। जैसे हमने मशीन को ऑन किया, मशीन हमारी सफलतापूर्वक ऑन हो चुकी है, ट्रिप का भी प्रॉब्लम चला गया, साथ साथ हमारी कोई भी इसमें से बफरिंग नहीं आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा ऑडियो देते हैं, फिर आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ कि ये जो प्रॉब्लम हमारा था शायदतर वो सॉल्व हो गया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारी जो ऑडियो होगी ना इसी मशीन से आ रही है जो कि अभी आप गाना देख रहे हैं। और ये चीज़ मैं बता दूं कि ज़्यादा देर मैं गाने बजा कर नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकती है। अगर आपकी मशीन के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो देखिए एक चीज़ तो ये कॉमन हो गई, आपकी कन्फर्म हो गई कि इस तरह की प्रॉब्लम जानते हैं ना, ज़्यादातर इस तरह का प्रॉब्लम आपका मोस्फेट से निकल के आती है, जो मोस्फेट लगी रहती है ना इससे निकल के आती है। लेकिन ये मोस्फेट की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इसमें रिले लगी हुई थी, रिले के लिए आपको ऑलरेडी एक 12 वोल्ट यूज़ किए गए हैं और ये डायोड का मेन प्रॉब्लम था। रिले तो कट ऑफ हो रहा था इसके कारण, लेकिन जो करंट ड्रॉप हो रहा था वो आखिर क्या इसके कारण हो रहा था। तो ये हमने चेंज किया, बाकी हमने सारे के सारे सेटअप अभी देखो खोल रखे हैं, बिखेर रखे हैं। चलिए आपने तो ऑडियो वगैरह सब कुछ सुन लिए हैं, तो अगर आपके भी एम्पलीफायर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने सहजतापूर्वक इस एम्पलीफायर को रिपेयर कर लिया हूँ, आपके भी एम्पलीफायर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से इस वीडियो को देख करके आसानी से रिपेयर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस, जय सियाराम।